भाई आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो है यहाँ पे कोरोना वायरस। बिकॉज आप टीवी खोलो, न्यूज़पेपर खोलो, एप्लीकेशन खोलो, फोन खोलो, कुछ भी खोलो, हर जगह कोरोना 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 फैला हुआ है। प्रॉब्लम काफी सीरियस और आई मस्ट से कि जब से ये प्रॉब्लम आई तब से लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने लगे अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। मतलब चाहे हो गया आपका हाथ धोना, घर सफाई रखना, आसपास की सफाई रखना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मतलब यहाँ पे लोगों ने काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिए हैं कि कैसे भी इस चेन को तोड़ा जाए। बिकॉज अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया है, कोई मतलब वैक्सीन नहीं आई, कोई मेडिकेशन नहीं आया। तो भाई यहाँ पे तो हम हर जगह प्रिकॉशन ले लेते हैं, लेकिन एक जगह है जहाँ पे आप शायद प्रिकॉशन ना लेते हो, और अगर वहां नहीं लेते हो तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी है वो एक जगह, देखने के लिए देखते रहिए वीडियो। तो भाई दिन में आप पूरी तरीके से हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आप अपने स्मार्टफोन को दिन में पता नहीं कितनी बार टच करते होंगे। स्टडी बोलती है कि एक आदमी एक दिन में, मतलब अगर एक रेगुलर मोबाइल फोन यूजर है, तो एक दिन में लगभग 50 से 60 बार अपने स्मार्टफोन को टच करता है। मतलब 50 से 60 बार आप इस फोन को टच करते हो और उतनी बार ही आप इस फोन को किसी सरफेस पर रखते हो। अब यहाँ पे अगर आप फोन को सैनिटाइज कर रहे हो, यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो आप हाइजीन को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सोचो कि एक दिन में आप 50 से 60 अदर लोकेशन पे इस वायरस को फैला रहे हो। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें एक्चुअल फिगर की, तो NIH और WHO के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल फिगर है वो ये बताते हैं कि अगर आपका फोन कॉपर का बना है तो कॉपर पे ये जो वायरस है, नोवल कोरोना वायरस, ये लगभग 4 घंटे तक जिंदा रह सकता है। मतलब 4 घंटे में आप उस फोन को, उस सरफेस को टच करते हो तो आप वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हो। अब मोस्टली फोन कॉपर के यहाँ पे नहीं होते हैं तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे ग्लास के फोन है, जो कि होता है हर फोन में, बिकॉज अभी सारे फोन में पैनल वगैरह होता ही है, तो ग्लास पे ये वायरस 96 आवर्स तक, मतलब कि 4 दिन तक जिंदा रह सकता है। अब सोचो अगर आप कहीं से गलती से ये वायरस को उठा लेते हो और अपने स्मार्टफोन को टच करते हो तो आप अपने घर में 50 से 60 लोकेशन पे इस वायरस को फैला सकते हो, और यहाँ पे आप अपनी पूरी फैमिली को कितने बड़े ट्रबल में डाल सकते हो। वहीं पे बात कर ले स्टेनलेस स्टील की, जो कि काफी प्रीमियम फोन होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि स्टील का जो बम्पर होता है उसमें, तो स्टील की बात करें तो ये वायरस स्टील पर 72 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। अब 72 घंटे भी बहुत बड़ा टाइम होता है, मतलब लगभग 3 दिन तक ये वायरस आपके स्मार्टफोन पे रह सकता है। मेरे पास आईफोन X है, इसकी बात करूं तो यहाँ पे पूरा जो बम्पर इसका ये स्टील बॉडी है, तो भाई 3 दिन तो यहाँ रह लिया वायरस, और उसके बाद जो ग्लास के पैनल है इसके फ्रंट एंड बैक दोनों, यहाँ पे 4 दिन तक वायरस है। मतलब 4 दिन तक ये फोन वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है, अपने पास जिंदा रख सकता है। तो भाई यहाँ पे आप सोचो कितना बड़ा इशू है, बिकॉज अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, जो कि करता ही है हर कोई, इसके बिना मतलब अभी नामुमकिन सा हो जाता है घर में रहना, वैसे ही सबको आइसोलेट किया हुआ है, तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आई थॉट कि यहाँ पे कोरोना और स्मार्टफोन का कुछ इस तरीके का कनेक्शन है, तो इसको कैसे खत्म किया जाए, तो भाई जैसे आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते हो वैसे करो। फोन धोने को रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत सारे फोन यहाँ पे वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप फोन भी जाके डिटॉल वगैरह लगा के धो दो, ऐसा नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर सैनिटाइजर है तो वहां पे आप एक बार फोन को सैनिटाइज करते रहो जब भी आप बाहर से आ रहे हो, जैसे आप हाथ को सैनिटाइज करते हो फोन को भी करो, और अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आपकी जो स्क्रीन है उसको वाइप आउट करते रहो, मतलब कॉटन वॉटन से, तो काफी हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यार ये थी यहाँ पे सारी वीडियो इस चीज के बारे में कि भाई वायरस कैसे फैल सकता है, अगर आप हर तरीके से प्रिकॉशन ले रहे हो यहाँ पे लैक है तो ये भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आई होगी, और इस वीडियो को करते हैं खत्म, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।